थोड़ा सा घूरना शुरू कर देते कि भाई बंदा कर क्या आ रहा है। चलो हेलमेट नहीं पहना तो भैया फिजियो ऐसा लगता है कि आज भी गया 7:26 हो गए हैं। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे हो गए जी। आज है जी अपना फैट टू फिट की जर्नी का जी डे 12, और टाइम मैं आपको बताऊँ तो हो गए हैं जी 11:35। ये नोना ने जो है ना घड़ी के जो है ये थीम चेंज कर दी है, कहती है जी ये रखो ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। हालांकि उसमें जो है ना सारा कुछ पता चलता था। फिलहाल मैं आपको बता दूँ जी, आज ना तो सैर करने गया हूँ और ना ही जो है ना मैं जिम गया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे काम थे और सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाना था। आज इन बच्चों का जो है ना जी PTM था, तो वहाँ स्कूल में भी जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह ना करके अपनी जिम और ये एक्सरसाइज सैर वगैरह ये हम शाम को करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना हमें 12 बजे पहुँचना है जी एक वीडियो बनाने के लिए। अभी पता नहीं है कि वो वीडियो आज आएगी कि कल आएगी, वो अभी आगे डिसाइड होगा। फिलहाल जहाँ जा रहे हैं वो वीडियो बहुत अच्छी बनानी है और 12:15 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना है, तो मैंने कहा फटाफट जो है ना घर से वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि फिर तो मुझे लगता है कि आगे टाइम मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, 3:02 हो गए जी, 1478 अभी तक के अपने स्टेप हुए हैं, और अभी तक जो है ना तो सैर करने गए, आपको बताया था कि वीडियो शूट करने जा रहे हैं, लेकिन जहाँ हमने वीडियो शूट करी है मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया था, खाना भी मज़ा। आज ना हमने दोनों भाइयों ने सुबह नाश्ता नहीं किया, उसके बाद अब यहाँ आके जो है ना अच्छे से डट के खाया है। इसका पता नहीं है, लेकिन मेरा फाइनल है कि मैं अब जो है डिनर नहीं करने लगा। डिनर मैं तो थोड़ा बहुत तो करूँगा ही, मैं नहीं करूँगा भाई। अपना डिनर जो है ना बहुत हल्का फुल्का, अगर कुछ होगा तो फ्रूट होगा। बाकी भाई साउथ एक्स में घूम रहे हैं, लोकेशन देख लो बहुत ही कमाल की प्यारी है। साउथ एक्स गेट नंबर 3 मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हैं, यहीं के आसपास हमने वीडियो बनाई है। अगर गेस कर सकते हो तो भाई कमेंट जरूर करना यहाँ पे आसपास में कौन सा फेमस रेस्टोरेंट है और नया खुला है। हाँ, और दो अपने पास वीडियो पड़ी है, एक जो अभी शूट कर करा है, एक इससे पहले जो हमारे पास और थी। ठीक है, अब दोनों में से घर जाके डिसाइड करेंगे कि कौन सी वीडियो जो है ना आज आपके लिए हम लेकर आए। ठीक है, और अच्छा वो तो चटोरा पॉइंट में आनी है वैसे भी, और अभी 3 बजे 3:30 बजे तक घर पहुंचेंगे, 1.5 घंटा टाइम है अपने पास वीडियो शूट करने का। फिलहाल चलते जी पार्किंग में। ठीक है, ऑलमोस्ट पार्किंग के पास में ही है हम, हमारी यहाँ पे स्कूटी लगी है, बाकी बेंचेस वगैरह लगे हुए, भाई लोग यहाँ पे मजे से बैठ गए, टाइम और सिगरेट फूंक रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी बैठने का कुछ बना हुआ है, साउथ एक्स वाइज रौनक वाली जगह है, पॉश इलाका है भाई, पॉश इलाका है भाई। अपनी स्कूटी के पास चलते हैं जी, बाकी शाम को जो है सैर करने भी जाऊँगा जी और जिम भी जाऊँगा, ये तो फाइनल है। बाकी अभी तक का तो यही इरादा है, आगे क्या होगा ये मुझे पता नहीं है। बाकी इस वक्त जो है जी इस तरीके से भीड़ में जो है ना कैमरे को यूं लेके चलना थोड़ा सा टफ मामला, लोग जो है ना थोड़ा सा घूरना शुरू कर देते कि भाई बंदा कर क्या रहा है। चलो हेलमेट निकालते, देखो जी आराम से इसके अंदर ना इतना बड़ा हेलमेट आ जाता है, बड़े आराम से आ जाता है। ला दे पकड़ा, ये तो मिला था जी हमें स्कूटी के साथ में, और वाकई में है भी चीज़ जो है ना अच्छा है, अच्छा दिया है। बाकी स्कूटी का भी ओवरऑल जो है अभी तक का एक्सपीरियंस ठीक है, बढ़िया है, बस अभी तक जब तक अच्छी चल रही तब तक तो बढ़िया है। हाँ मेन ये है अच्छी चलती रहे। अब ये स्कूटी सीट उठाइयो खुल जाएगी ये पंकज से बंद नहीं होती है इसको। हाँ अब देख अब बंद हो गई होगी, अब हो गई है ना, तगड़ा लगानी पड़ती है, तगड़ा वाला हाथ लगाना पड़ता है। चलो जी स्टार्ट करो, निकलते हैं भैया यहाँ से। हेलो वेदांत, क्या कर रहे है काके? नमस्ते कर दे, नमस्ते कर दे। अच्छा कॉइन लेके कहाँ जा रहा है ये तो बता दे, कहाँ जा रहे हम? गुरुद्वारे कह रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बाकी जी अभी जाके जो है ना फ्री हुआ हूँ, मतलब पहले 6 बजे 6:05 पे डली है जी अपनी यूट्यूब की वीडियो, और 7 बजे की डली है जी अपनी फेसबुक की वीडियो, और अब जाके मतलब अभी भी कोई खास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं आपको टाइम बताता हूँ, टाइम हो रहा है जी 7:05, और ये 6:30 बजे का मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि पापा जो है ना गुरुद्वारे लेके चलो। वेदांत इधर आ जा बेटा, बस अब इसके साथ थोड़ी देर पार्क में आए जी और अब जाऊँगा गुरुद्वारे। आज तो भाई साहब क्या ही दिन निकल रहा है ना, अभी तो फिजियो वाले के पास जाना है, 7:05 हो गया है, फटाफट जाके गुरुद्वारे जाते हैं, और 8 बजे फिजियो वाला बंद हो जाएगा, तो वो भी बहुत बड़ा पंगा है। थक गया हूँ मैं सच बता रहा हूँ आज तो, अभी हिम्मत नहीं हो रही है उठ के घूमने फिरने की भी, लेकिन आज की सैर और जिम अभी पेंडिंग है। सोच रहा हूँ कि वो भी जो है ना थोड़ी देर आधा घंटा रेस्ट करके वो भी कर ही दूंगा। बाकी सुबह का आपको शेड्यूल बता देता हूँ जी, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, सुबह बस जो आराम से जो पानी वानी पिया था जो मैं लेता हूँ है ना, अजवाइन वगैरह का जो पानी होता है वो लिया है,
बस ब्रंच समझ लो जी, जो वीडियो हमने बारबेक्यू नेशन की बनाई है, पहले नहीं बताया था इसलिए कि पता नहीं था कि वो सोमवार को वीडियो आएगी, लेकिन हमने वो आज सैटरडे को ही जो है ना जी वीडियो डाल दी है, ठीक है। मतलब देखो आज ही शूट करी है और आज ही वीडियो अपलोड भी कर दिया भाई साहब, इतना तगड़ा फास्ट काम किया। हाँ बेटा आओ लेकर आओ, चलो गुरुद्वारे चले। ओए अब ध्यान से जाइयो, मैं देख रहा हूं, जा धीरे से, अब साइड से जा रहा है। कहने हरी वर्गा ही है, कहने नहीं बस ए गुण सब तो वड्डा है। महाराज इशारा दे के गए सारे गाओ जी। हर ते गुण हर पाम दे से गुरु ते पाए, जिन गुर का पाना मने तिन कुम कुम जाए। अपना तो भैया फिजियो ऐसा लगता है कि आज भी गया, 7:26 हो गए हैं। अब यहाँ से निकलते निकलते अभी इसको घर छोड़ूंगा, 5 मिनट और लग जाएंगे और 5 मिनट स्कूटी लेके भागूंगा अभी, तो भी जो है ना 5 मिनट आराम से लग जाएंगे यार। आज पंगे पे पंगा हो रहा है। बाबू बेटा रुमाला उतारो, रुमाल उतार के रखो उधर जहाँ से लिया है। ये बेटा ये सर पे पहना है अपने रुमाल, ये उतारो, ये वापस भी तो रखना है। चलो जी देखते हैं फटाफट, कोशिश करता हूँ। अब वो फिर ये कह देंगे कि जी आप फिर 8 बजे के आसपास आए हो। हाँ थैंक यू भैया, ये थैंक यू। ये वेदांत गिर गया था, उसकी जैकेट पीछे से पूरी की पूरी गीली हो गई है, बड़ी बुरी तरह गिरा है। अगर क्लिप लगाऊंगा ना तो देख के हैरान हो जाओगे, मैं भी डर गया था, मैं कहा भाई लगी चोट आज तगड़े लेवल की, लेकिन बच गया। चलो फटाफट चलते हैं। लो जी टाइम पे पहुंच ही गया यार, मतलब टाइम पे क्या लेट तो हूँ, लेकिन बेड खाली था ना तो इसलिए मौका लग गया है। अब ये हो जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि कल नहीं हुआ और अब नेक्स्ट जो है आज सैटरडे, कल संडे, संडे को फिर नहीं होना, तो वो एक दिक्कत है। किस्मत अच्छी है कि हो रहा है। अब इसमें जो है ना एक तो वो चल रहा है जी साथ में, वो वाली मशीन वाला जिसमें वो हल्का हल्का सा करंट आता है, एक ये हीटिंग पैड दे दिया साथ में, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसको करवाते वक्त में रिलैक्स रहता है भाई। किस्मत अच्छी है जो हो गया भाई, अब आराम रहेगा एक दिन। टाइम हो रहा है जी 9:14 और मैं निकल गया जी सैर करने के लिए, और साथ में ना घर वालों ने पकड़ा दिया कि थैला कुछ सामान वगैरह लाने के लिए। मैंने कहा मैंने सैर करने के बाद जिम भी जाना है, कह रहे तो कोई बात नहीं छोटा सा तो सामान है लेता आइयो भाई। ठीक है भाई सैर करूँगा, देखता हूँ थोड़े से सैर लंबी कर लूँगा कि अपने जो स्टेप होने हैं वो पूरे के पूरे हो जाए। देखो कभी किसी टाइम पे ना ये पूरी की पूरी जो लाइन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भाई फ्रूट बिकते थे, ठीक है, और आज बिकता है जी मोमोज, चिकन और ये सब जो है ना तंदूरी आइटम, ये सारी बिकती हैं। देखो इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सारे के सारे सियाने हो, जिस चीज़ की डिमांड होगी जी वही बिकेगा। बाकी जिम जो है ना जी मेरे घर से हार्डली 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं निकल गया हूँ जी थोड़े से लंबे रास्ते पे, मैंने कहा चलो वॉक भी हो जाएगी और वहाँ तक जाते जाते जिम तक जाते जाते थोड़ी सी जरा शरीर में गर्मी भी आ जाएगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, सैर भी हो गई है ना और बाद में जिम भी बड़े आराम से हो जाएगा। भाई जिम आते आते ना टाइम हो गया 10 और अभी जो है ना फिलहाल जिम हो गया जी, मतलब बढ़ चुका है, जस्ट मेरे फ्रेंड ने जो है ना लॉक लगाया और मैं पहुँचा हूँ, फट उस बंदे ने मेरे को चाबी पकड़ा दी कि ये ले भाई मैं तो थक गया हूँ मैं जा रहा हूँ घर, लॉक लगा के चाबी घर पे दे जाइए। मैंने कहा चल ठीक है, आज भी आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करूँगा फटाफट, जो है ना जो जो एक्सरसाइज करनी है वो करते हैं आज की। अपना जिम हो गया बड़ा फर्स्ट क्लास, सैर भी हो गई, तो कोई भी चीज जो है ना आज कमी नहीं रही है। बाकी एक बात और बता दो भाई, जो हमने लंच किया था ना जी बारबेक्यू नेशन के बाद, उसके बाद मैंने घर आके सिर्फ 2 बार जो है ग्रीन टी पी है। अगर मुझे भूख लगी सच बताऊं तो अभी तक तो भूख ही नहीं लग रही, और अगर लगी भी ना तो भाई अपने पास अंकुरित दाल है, चने हैं, ये सब चीजें थोड़ा बहुत खा, तब भी सोच रहा हूं एक थोड़ा बहुत खा ही लूंगा, ऐसा ना हो कि फिर रात को भूख लगे,
बाकी चलते हैं जी, फिलहाल जिम बढ़ाते हैं और घर चलते हैं जी। लो जी टाइम हो गया जी 11:30, 10,239 आज के अपने स्टेप हो गए जी और वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब करते हो ना तो अच्छा लगता है भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े यही उम्मीद करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगे ये उम्मीद करता हूँ। बाकी अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना ताकि मैं जो है ना बहुत अच्छे से मोटिवेट रहूँ। मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में जी, तब तक के लिए बाय बाय।